कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन शिव शिष्य शिष्यहरूको संगोष्ठी काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। शिव शिष्य हरिन्द्रानन्द फाउन्डेसन नेपालले गएको सोमबारका दिन राजधानीमा आयोजना गरेको संगोष्ठीमा सैकडौँ शिव शिष्य तथा शिष्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सो संगोष्ठीमा यस कालखण्डका महामानव तथा प्रथम शिव शिष्य साहेब श्री हरिन्द्रानन्दजीको ज्येष्ठ सपुत्र तथा आप्त सचिव सह मुख्य सल्लाहकार अर्चित आनन्द उर्फ अनुजीको प्रमुख आतिथ्यता तथा सोमेन्द्र कुमार र राजेश कुमारको विशेष उपस्थितिमा सो संगोष्ठी राजधानीमा सम्पन्न भयो। संगोष्ठीमा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै श्रवण कुमार दास जो हम उससे परिचित हैं वो साहब श्री और दीदी नीला आनंद के प्रथम पुत्र श्री अर्चित आनंद जी उर्फ अनु भैया है, उनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही मुख्यालय में जो गुरु भाई रहते हैं वो लोग भी आए हुए हैं जिनका नाम भैया बोले, उन सभी का स्वागत हम करते हैं। और इतने गर्मी में अपने काम को छोड़ के अपना कीमती समय निकाले इस कार्यक्रम में आप भाग लिए, इस कार्यक्रम में आप सुनने आए, आप सभी का स्वागत है। काठमाडौँमा रहेको गुरु भाइहरूसँग साहब हरिन्द्रानन्दको धेरै नै लगाव रहेको कुरा भन्नुहुन्छ संगोष्ठीका प्रमुख अर्चित आनन्द। आपको काठमांडू से वैसे भी बहुत लगाव था, उसकी सबसे बड़ी वजह तो गुरु भाइयों का होना और पशुपतिनाथ का मंदिर। एक ऐसा देश है वैसे तो पूरी सृष्टि ही पशुपतिनाथ के की दया से उनकी कृपा से चलती, यहाँ विशेष दृष्टि है। यहाँ पे अचानक ये बैठक करने का कोई हम लोग का उद्देश्य नहीं था, ना कोई दूर से हम लोग का यहाँ कोई कार्यक्रम था। स्वागत कुछ कार्यों से यहाँ आना हुआ तो हुआ कि आप लोगों से भी मुलाकात हो जाए, कुछ महादेव की चर्चा हो जाएगी, कुछ आपसे सुनेंगे, कुछ अपना सुनाएंगे। अभी सोमेंद्र जी ने कहा अपनों से अपनी बात, हम लोगों ने महादेव महादेव के नाम से, भोले बाबा के नाम से, सात नाम हजारों नाम का जाने जाते हैं और हजारों साल से उनकी पूजा होती आ रही है। हिंदुस्तान में नहीं, नेपाल में नहीं, दुनिया के कई एक देशों में महादेव की पूजा होती आई है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो इतिहास की साक्षी है, गवाह है, इतिहास में पुस्तकों में महादेव की चर्चा है कि वो भगवान है, भगवान के रूप में पूजित है। लेकिन किताबों में तो महादेव के गुरु स्वरूप की भी चर्चा है। ये हम लोगों को पता नहीं था, जब था तो हम लोग उस स्वरूप से जुड़ नहीं पा रहे थे। इतिहास ना पढ़ेंगे तो महादेव की चर्चा तो है ही, आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, इतिहासकारों ने लिखा है, वेदों ने लिखा है, ऋषि मनीषियों ने लिखा है, बताया है महादेव के कई रूप हैं। हर एरा में, हर युग में अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग रूप में उनकी पूजा होती आई है। आप किताबों में पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिखा पड़ा है।
लेकिन भगवान के रूप में उन्होंने हमको आपको वो सब दिया है जो हम और आप उनसे चाह करते हैं, जो मांगते हैं, अपनी जो हम लोगों की मनोकामना होती है, हमारी जो कामना होती है उसके लिए हम आदेश को याद करते हैं, उनका दर्शन करने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ज्योतिर्लिंग पर जाते हैं, ले आए जहाँ कहीं भी हमारी आपकी आस्था होती है। हमारा मानते हैं अपने सांसारिक सुख और मिलता भी आया है आज तक, लेकिन शिव का वो स्वरूप जो हमारे आपके संज्ञान में नहीं था, हमारे आपकी जानकारी में नहीं था, कुछ लोगों की जानकारी में था भी, उन लोगों ने अपने तक ही इसको रखा। जैसे आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो महादेव गुरु होते हैं, गुरु का काम करते हैं और कुछ लोग उनके शिष्य हैं, उनकी लिस्ट है, उनके शिष्यों की एक सूची है शिव पुराण में, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन वो किताबों तक ही सीमित था, हमारे आपके नॉलेज में नहीं था कि महादेव गुरु है, हम लोग तो नहीं जान रहे थे। आप लोगों में से जानकारी गुरु का भी नाम करते हैं, जगत गुरु है, जगत गुरु सुनते तो आए हैं लोग, जगत गुरु कहा जाता है उनको। तो ये जगत गुरु है और उसका काम भी करते हैं वो गुरु का। ये उन लोगों ने अपने तक रखा जिनकी लिस्ट उसके साथ में है। साहब ने 30 साल 35 साल अपने जीवन के एक सही गुरु की तलाश में लगाए, बचपन बचपन से लेकर के जब तक ये उनको उनकी तलाश समाप्त नहीं हुई तब तक वो कभी शमशान जाते, कभी तांत्रिकों के साथ रहते, कभी औगणों के साथ रहते, कभी शारीरिक गुरुओं के साथ रहते, कई एक शारीरिक गुरुओं के साथ उन्होंने समय बिताए हैं। लेकिन उनको हासिल क्या हुआ इतने सालों में, जिस चीज की तलाश थी वो तो नहीं मिला उनको। मिला क्या उनको, उन्होंने लिखा है कई जगह, ठगी धोखा अविश्वास अंधविश्वास, कई आर्टिकल उन्होंने साहब ने लिखे हैं, पुस्तक में भी उन्होंने कई जगह लिखा है, जिसने भी पढ़ी होगी वो किताब उसने जरूर पढ़ा होगा इन चीजों को। लेकिन सन 1974 में जब साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया, जब उनको अनुभूतियां आनी शुरू हुई, उसके बाद भी साहब ने कई एक वर्ष तक, कई एक सालों तक किसी और को नहीं कहा कि महादेव मेरे गुरु है, आपके गुरु। यस संसारको हरेक जीवात्मालाई शिवसँग जोड्नका लागि सुरु गरिएको यो शिवचर्चा अहिले विश्वका कयौँ देशहरूमा सुरु भइसकेको र शिवलाई आफ्नो गुरु समेत बनाइसकेका छन्। शिवलाई गुरु बनाउनका लागि केही छोड्नु नपर्ने र केही थप समेत गर्नु नपर्ने, मात्र 3 सूत्र गरेर शिवलाई आफ्नो गुरु सजिलै बनाउन सक्ने भएको हुनाले संसारका करोडौँ व्यक्तिले शिवलाई आफ्नो गुरु बनाइसकेका छन्। सङ्गोष्ठीमा सहभागी मुख्यालयका सोमेन्द्र कुमारले साहब हरिन्द्रानन्दको बारेमा जानकारी गराउँदै बिहार सरकारले शिक्षा विभागले डाइरेक्टर पदले हुआ गर्दै थिए, अब वो भी शरीर में नहीं है, लेकिन इनका परिवार हमारे आपके साहब का परिवार बचपन से कैसा आरंभ होता है जरा सोचिए। एक इतने बड़े पदाधिकारी के घर में इनका जन्म होता है, पढ़ाई लिखाई चलती है, शिक्षा का माहौल है घर में, पढ़ाई लिखाई के साथ में चल रही है और एकदम बाल्यावस्था में इनके जीवन में एक घटना घट जाती है। एक छोटे स्तर पे धन धर्म जानने वाला व्यक्ति आता है कि पिताजी से मिलने, चौथा पांचवा की
विद्यार्थी हैं, पूरा दिन विश्राम वहाँ करते हैं। इनके पिताजी के आग्रह पर, हमारे आपके साहब के पिताजी के आग्रह पर, जिनका नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा, श्री के माता जी का नाम है राधा देवी, ये इनकी संतान है। इनके गोद में इन्होंने अपना जन्म ग्रहण किया है 31 अक्टूबर 1948 को। आइए पांचवी क्लास के विद्यार्थी के सामने एक घटना घट जाती है। बालवन है, बालवन है, वह छोटा मोटा जो तांत्रिक आया हुआ है, कहता है तांत्रिक लेकिन तांत्रिक है नहीं, वह खड़का सी की टूथपिक जानते हैं, खड़का करता है और खड़के को फेंक देता है जमीन पे, और उस खड़के को इन्होंने देखा, जो खड़का सांप में बदल गया। इनके मन को अचंभित कर दिया, इनके मन को स्तब्ध कर दिया, ये क्या हुआ भाई, ये क्या बात है, सिर्फ सोचा ही सोचने पड़ गए, ये क्या है, बाकी ये चमत्कार के पीछे कौन है, ये कौन है कि यहाँ लोगों को लाता है, रखता है और फिर वापस ले जाता है। इनके सामने इनके परिवार के कई लोग शरीर छोड़े, बाकी ये क्या बात है भैया, ये कौन है इसके पीछे, और यहाँ से इनकी खोज शुरू हो जाती है, ये तलाश है इनकी, और खोज में ये कई तांत्रिक, कई अघोरी, कई साधु, कई तथाकथित गुरुओं का साथ देते हैं, लेकिन इनको कहीं कुछ नहीं मिलता है। 14-15 साल इन लोगों के पीछे ये बर्बाद करते हैं अपना दिन को, विद्यालय या कॉलेज, और रात ढलती है तो मशान में इनकी, किसी माता पिता को यह सूचना मिल जाए कि उसका बेटा रात के अंधेरे में अपनी सारी रात मशान में गुजारता है। साहब ने कहा कि मशान में मन को कंसेंट्रेट होने में ज्यादा सुविधा मिल जाती है, क्योंकि वहां एक भय भीति पैदा होती है, वहां कोई होता नहीं है, सुनसान अंधेरा होता है, खूब अंधेरा, पूर्णमासी के चांदनी में कोई मशान नहीं जाता, अमावस्या की रात्रि मशान के लिए शुभ मानी गई है, जहां घोर अंधेरा होता है वहां स्वतः ही भय भीति पैदा होती है, ध्यान का एक अनुपम केंद्र माना जाता है साधु के जीवन में। तो इनको लगता था कि सारे ईश्वर का ध्यान हो जाए, ईश्वर मिल जाए, वो कौन है इसके पीछे, इस चमत्कार के पीछे, इस जीवन मृत्यु के पीछे, इस फूलों के खिलने और मुरझाने के पीछे, वृक्षों में फल लगने और झड़ने के पीछे, ये कौन है। शिव सबैको मनमा राजगोरोस र साहबको संकल्प पूरा गर्ने बारे चर्चा गर्दै शिव शिष्य ओम प्रकाश सिंह, इस जगत में प्रत्येक मानव मन में उस महादेव का राज हो, उस महादेव प्रत्येक मानव के मन में स्थापित हो, उन्होंने इसी उद्देश्य के साथ इस काम को शुरू किया था, और आज भी हम लोगों का वही उद्देश्य है, एक और आने वाले सदियों तक वही उद्देश्य रहे, वह पशुपतिनाथ, वह महादेव, ऐसा नहीं उन्होंने नया हम सबों के अग्रज पूर्वज, हमारे आपके कर्म, हमारे आपके साथ जिस महादेव को ईश्वर के रूप में हम हमारे आपके बीच मंदिर में जाकर के स्थापित किया था, हम आपको समझते थे कि वह बाबा पशुपतिनाथ काठमांडू के गौशाला क्षेत्र में उनका मंदिर है, वहां पे रहते हैं, यही अवधारणा थी हमारी आपकी, काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ बाबा विराजमान है, यही हमारे आपके मन में यही अवधारणा थी, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने यही हमको बतला रखा था, लेकिन साहब श्री नरेंद्रानंद जी ने अपने जीवन में उस महादेव को गुरु के रूप में अनुभूत किया। पहले बहुत सारे हमारे गुरु भाई बहन लोग वह बताया कि शिव शिष्यता की एक अनुभूति, इसे तो बहुत सारे गुरु भाई बहन लोग बोले, आप सबको बताए, तो उन्होंने सबसे पहले शिव शिष्यता एक अनुभूति जो है साहब श्री नरेंद्रानंद जी ने अनुभूत किया कि शिव वास्तव में गुरु है, उनको पता भी नहीं था, उनको कोई बताया नहीं था, आज तो हमारे आपके बीच बता रहे, रांची से चल कर गुरु भाई लोग भी आए हुए हैं, हम सभी लोगों को बताते हैं कि शिव गुरु है, उनको मान करके देखा जाए, लेकिन उनके जीवन में कोई भी बताने वाला नहीं था, उनको पता
बाद 8 साल के बाद पता चला कि यह बात शास्त्र में लिखा हुआ है। शिव गुरु तो उन्होंने अनुभूत किया, जो अनुभव किया शिव के शिष्य के रूप में, वह लोगों को देना चाहे और दिए। अंतिम क्षण तक हमारे बड़े गुरु भाई लोग आए हुए हैं, उन लोग आप लोगों से बात करेंगे। साहब जाते समय भी हम सब उनकी स्वास्थ्य की चिंता में थे, रांची में हम लोग भी गए हुए थे, रांची में उनकी स्वास्थ्य की चिंता में थे कि हमारे साहब कब जल्दी ठीक होकर के लौटेंगे आ जाए बाहर। लेकिन वह उनको हम सबों की चिंता था, जो भी उनसे मिलने जाते थे, जाओ बाहर लोगों को कहो महादेव का काम करे, बाहर 300 रुपए कहा है कि नहीं, यही बात पूछते रहे। तो शिव शिष्यता की अनुभूति जो उन्होंने किया और उसी के तहत हम सब भी उस चीज को अनुभूत करें, उस बात को अनुभूत करें, अनुभव करें। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने जन जन के मन में शिव को स्थापित करने का संकल्प लिया और वह शुरू कर किए अकेला कारवा बनता चला गया। तो जब हम आप यहां जो आयोजन किया इस कार्यक्रम साहब के पार्थिव शरीर छोड़ने के बाद, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला आयोजन, तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना हम लोग साहब के संकल्प को जिस हिसाब से साहब लेकर के चल रहे थे, जिस उद्देश्य के साथ साहब इस बात को आगे बढ़ाया, अपने राज्य से बाहर का कार्यक्रम अंतिम काठमांडू में ही था। उस समय साहब बोल करके गए कि कोई बड़ा नहीं है, ऐसा कहना बड़े गुरु भाई पर कोई बड़ा नहीं है, तो हम आप उस बात को याद रखें, हम अपने आप को बड़ा स्थापित करने में धूल में नहीं रहे, शिव को बड़ा बना करके हमारा आदर्श शिव हो, मान साहब का दिया हुआ हो, साहब ने किताब में भी लिखा है शिव के राजमार्ग पर हम चलेंगे तो हमारा जीवन शिवमय होगा, सुखमय होगा, हम शिव के शिष्य होंगे। इसलिए अगर हम सबों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए। संगोष्ठीमा सहभागी मुख्यालयका राजेश कुमारले संसारको हरेक जीवात्मालाई शिवसँग जोड्ने बारे यसरी चर्चा गरे। क्योंकि पूर्वमे लोगों ने उस ईश्वर से ज्ञान को प्राप्त किए, उनसे जुड़े, लेकिन लोगों ने इस बात को अपने तक सीमित किया। यह नहीं कहने के लिए चले कि इस धरती के एक एक व्यक्ति, एक एक लोग वह गुरु से जुड़ सकते हैं। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिद्रानंद जी अपने जीवन में जो उनकी चाह थी, जो उनकी खोज थी, हम आप सोचेंगे, कल्पना करेंगे कि जब वह स्कूल में ही पढ़ते थे, उन्हीं दिनों से उनके जीवन में गुरु के खोज में वह चले थे कि हम चमत्कार सीखे, और चमत्कार के दुनिया में इस धरती के जितने बड़े गुरु थे, चाहे वह अघोरी हो, अश्मशानी हो, कपाली हो या घुमक्कर हो, यानी सारे गुरुओं के शरण में गए और जाने के बाद जो उनके जीवन में खोज था, जो वह चाहते थे कि यह मिले, उनको नहीं मिले।
मिल पाता है। अंत में विवशता की स्थिति में उनके मन में एक विचार आया कि अगर भगवान गुरु है तो मेरे जीवन में भगवान गुरु क्यों है। उन दिनों जो उनका मन समझता था भगवान वह थे शिव, उनके मन में यही विचार आया और यह विचार जैसे ही ले रहे हैं पूर्व के जितने भी प्रक्रियाएं या जो गुरु से जुड़े हुए थे सारे को वही बंद कर रहे हैं और वहां वह तीन शर्त रख रहे हैं। पहला जो उनका शर्त था कि अगर आप आसमान से शरीर में शिव के रूप में आएंगे तो हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे, क्योंकि श्मशान की साधना में जब वह साधना करने के लिए चलते थे तो उन दिनों वह प्रेत शिव के रूप में आया करते थे और वह कहते थे कि हमें शिव है। एक दिन उनको यह अनुभूत हो गया, एहसास हो गया कि यह शिव नहीं है, यह तो प्रेत है। इसीलिए उनका पहला शर्त था कि अगर आप शरीर में शिव के रूप में आएंगे तो हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। दूसरा जो उनका शर्त था कि अगर आप मानव के रूप में शरीर में आएंगे तो अभी हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे, क्योंकि इस धरती के जितने भी बड़े शरीरी गुरु थे उनके शरण में वह गए थे, उनका जो कोष था वहाँ वह मिल नहीं पा रहा, इसीलिए उनका यह दूसरा शर्त था। तीसरा शर्त था कि सीखेंगे तो आप ही से, धरती पे किसी से नहीं। यह तीनों शर्त को तोड़ते हुए एक साल के बाद उनके अंदर नमः शिवाय का यह मंत्र आया जो आपका मेरा तीसरा सूत्र है। नमः उनके श्वास पर उतरा और शिवाय बाहर निकला, यानी यह जो संगोष्ठीमा सहभागी अर्चित आनन्दको चर्चा सुन्न सहभागीहरूलाई अनुरोध गर्दै शिव शिष्य राम प्रवेश शाह। जिस पुस्तक आयु में तो हम लोग का ये सोच होना चाहिए, हम लोग का सारे से दिमाग से हटा देना चाहिए कि जो आ रहे हैं हमारे प्रमुख अतिथि जी उनकी शब्द सुनी और उनकी शब्दों पर विचार करके अपने अपने क्षेत्र में कैसे हम लोग लागू करेंगे और उस हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर ध्यान देने की बात है। रही बात मैं तो यही कहा हूँ, आप यही कहा है और मेरा चर्चा आप लोग सुनते करते हैं, आपका चर्चा सुनते करते हैं, लेकिन हम लोगों का यह सुनने की आवश्यकता है। मेरे बड़े भैया अमित भैया जो आ रहे हैं उनकी शब्द हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुनने की प्रयास करें। संगोष्ठीमा सहभागीहरूलाई साहबको संकल्प पूरा गर्ने अनुरोध गर्दै सर्वेश मिश्र। के जाने सके छ यदा आता है आज पनि
शिवलाई आफ्नो गुरु बनाएको बारे शिव शिष्य राम बहादुरले यसरी जानकारी गराए। रांची जाने के बाद में महादेव को गुरु माने, साहेब जब चर्चा सुने उसके बाद में गुरु माने, उसके बाद में तो बहुत सारी अनुभूति हुआ और उस पर विचार करते हुए बहुत बार रांची भी गए और रांची जाने के बाद और भी अनुभूति हुआ। हम लोग मिलने के बाद में हम चले आए, जब से तो महादेव का अपना दिल से प्रेम से और कभी भी नहीं सोचे थे हम अपना काम करते हैं। महाराज स्वरूप जब लगते हैं पूरा दिल से काम करते हैं और क्षेत्र में भी जाते हैं, कहीं पर कार्यक्रम होता है वहाँ पर पूरा दिल और मेहनत से काम करते हैं।